दोस्तों, अगर आप सिंगल हो और आप चाहते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए और आपके पास में कोई एक ऐसी लड़की है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आप चाहते हो कि ये मुझसे इम्प्रेस हो जाए, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, तो क्या यार ऑनलाइन लड़की को इम्प्रेस करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने आसपास की किसी भी लड़की पे ट्राई करो और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लड़की पर लाइन भी मारते हैं और वो कामयाब भी नहीं होते हैं। तो आज की वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ वो 100% इम्प्रेस करने के लिए अच्छा तरीका है और भाई इससे आप किसी भी लड़की को, अपने आसपास की कोई भी लड़की को आप आसानी से पटा सकते हो बगैर किसी के नज़र में आए और इस पर कोई रिस्क भी नहीं है। अब यार सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जिस लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो ना उस पे आपको लाइन नहीं मारनी है। अब यार कुछ लोग ये बोलते होंगे यार ये क्या बता रहा है, लाइन नहीं मारनी तो पटेगी कैसे? भाई यही तो पॉइंट है, अगर आप किसी आसपास वाली लड़की पे लाइन मारते हो ना तो भाई आपके दोस्त या फिर आपके पड़ोसी या कोई ना कोई आपको ज़रूर देखता है कि ये लड़का इस लड़की पे लाइन मारता है, किसी ना किसी को पता लग जाता है और इससे उसकी प्राइवेसी ख़राब होती है जिससे वो आपको लाइन नहीं देती है। कुछ ही चांस होते हैं कि लड़की आपको लाइन दे देती है, वरना धीरे धीरे आपका ब्रेकअप तो होना ही होना है या तो बाद में पंगा होना ही होना है। तो भाई आपको याद रखना है आपको उस पर लाइन नहीं मारनी है। इसके बदले में क्या करना है, जब भी वो लड़की आपको कहीं भी मिलती है, जैसे कि कहीं किसी शॉप पे मिलती है तब आप उससे नॉर्मल सी बात कर सकते हो, ठीक है, या फिर वो कहीं मार्केट में मिलती है तब भी आप उससे बोल सकते हो स्माइल के साथ, तब आपको लाइन मारनी है, ठीक है। बस ऐसी जगह पे ही लाइन मारनी है, लेकिन हमेशा लाइन नहीं मारनी है भाई, लाइन तो मारनी पड़ेगी, बात तो करनी पड़ेगी लेकिन स्माइल के साथ। या फिर वो आपको जैसे कि कॉलेज जाती है तो आप रास्ते में मिलते हो, बस में मिलते हो, यहाँ कहीं ऐसी जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा प्राइवेसी है ऐसी जगह पे मिलते हो, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो, उसके साथ स्माइल कर सकते हो। लेकिन याद रखना आपको एक छोटी छोटी बातें करनी है, जैसे कि अगर शॉप पे मिली तो यहाँ पे आप कैसे क्या लेने आई हो, आपको ये बात करनी है। तो अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हो, जैसे कोई सामान उठाने में उसकी हेल्प कर सकते हो, घर तक पहुंचाने में, वो हेल्प आप करो, ठीक है। ऐसे ही जब मार्केट में मिलती है आप बोल सकते हो अरे आप यहाँ पे कैसे क्या लेने आए हो, या कोई अगर वो कुछ लेने गई है अपना ड्रेस वगैरह, ठीक है, शॉपिंग करने, तो आप बोलो ये जच रहा है आप, और आप खूबसूरत लगती हो, ऐसे तारीफ कर सकते हो, छोटी छोटी तारीफ। इससे आपकी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी, बिना लाइन मारे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अब ऐसे ही धीरे धीरे जब वो आपकी अच्छी फ्रेंड बन जाए उसके बाद आप उसके धीरे धीरे करीब जाना स्टार्ट कर दो। अब आता है नेक्स्ट प्रोसेस, अब आपको क्या करना है, अब आपको तारीफ जो करनी है वो नेक्स्ट लेवल तारीफ करनी है। जैसे कि आप उस दिन जो कलर वाला सूट पहनी थी वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन आज तो आप कयामत लग रही हो, ठीक है, स्माइल के साथ आप ये लाइनें बोलो जब आपकी दोस्ती हो जाए तब, क्योंकि जो प्रोसेस मैंने पहले बताया उससे सिर्फ आपकी दोस्ती होगी, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। अब आपको ऐसी तारीफ करनी है, आपको बोलना है कि आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो या आप मोहल्ले में सारी लड़कियों से अलग हो, आप ये बात बोल के देखना, उसे बहुत अच्छा लगेगा। उसे बोलो कि आप, मैंने जितनी लड़कियों से बात की उनमें से सबसे ज़्यादा अलग हो और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो, ये बात आप धीरे धीरे बोलो, वो किसी को बताएगी भी नहीं और आपका काम भी होता रहेगा धीरे। अब आप उसका नंबर ले सकते हो, अगर आपका इतना काम हो गया ना भाई तो आप उसका नंबर ले सकते हो, अब आप उसका नंबर ले सकते हो, ठीक है, और उससे आप आके अपनी बात बढ़ा सकते हो, अब उसे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, फिर उससे धीरे धीरे आपकी बात होती रहेगी। लेकिन अगर पहले ही आप उसका नंबर मांगोगे या इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे, फेसबुक पे बात करोगे, तो वही आपसे नहीं करेगी। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद अगर आप उसका नंबर ले लेते हो तब आप उसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, तब आसानी से आपकी बात हो जाएगी। और इससे देखना केवल एक महीने के अंदर अंदर वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। यार अब आपको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे जो आप बात कर रहे हो नंबर लेने के बाद ना, अब आपको उसमें बात करने का तरीका, जिसमें मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, आप उससे पता लगा सकते हो कि आपको क्या मैसेज करना है, कैसे बात करनी है, इंटरेस्टिंग चैट कैसे करनी है, ये सब पे तो आपने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, और उससे आप धीरे धीरे लड़की को इम्प्रेस कर सकते हो, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और देखना एक महीने के अंदर अंदर वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहला आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए करता हूँ। धन्यवाद।